गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस गाइस, गुड इवनिंग बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बज गए शाम के 5 एंड आज हम जा रहे हैं स्कूबी को सैलून लेके जा रहे हैं। सैलून स्कूबी को आज हम बाल कटवाएंगे। ये स्कूबी चलो ले इसको। स्कूबी वेयर इज द पट्टा? वेयर इज द पट्टा? शो मी योर पट्टा। हाँ गो, गिव योर पट्टा, गिव मी योर पट्टा। अरे व्हाट व्हाट, यू टेक, यू गिव मी पट्टा, गिव पट्टा। हाँ हाँ, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। स्कूबी यू नो वेयर यू गोइंग? हेयर कटिंग डॉक्टर। स्कूबी भाई अभी तो बहुत खुश है क्योंकि वॉक पे जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे जाएगा ना डॉक्टर के क्लिनिक में, सैलून में मतलब इन शॉर्ट, तो भाई वहाँ पे देखना। और आज अपने साथ स्कूबी के साथ प्रेम भी आने वाला है। प्रेम तू क्या करने वाला है? आज तक मैंने 100 रुपया महीने का बाल काटता हूँ, तो महीने साल का होता है 1200 रुपया। इसका 2000 रुपये का बाल काटने वाला है जिसमें कुछ मतलब ही नहीं है इसका बाल काट के। और रौनक भाई तो बहुत बार तो बिना पैसे दिए ही चले जाते हो ना आप तो। देखो ये देखो बोल बच्चन, बोल बच्चन। भाई स्कूबी का बाल हम लोग इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि रिशा के, एक्चुअली स्कूबी का ना बहुत हेयर फॉल होता है। आंसर क्या और पता है, रिशा के मुंह में उसके आसपास सराउंडिंग में ना बहुत स्कूबी के बाल रहते हैं, तो डॉक्टर ने कहा भाई थोड़ा अनसेफ है, तो हो सके तो स्कूबी से दूर रखो। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, वो मेरे घर का फैमिली मेम्बर है। तो मैंने अपने वेट से बात किया, तो वेट ने कहा इसमें कोई इशू नहीं है, आप जिस स्कूबी का जो हेयर है ना उसको एकदम ट्रिम करा दो, एकदम ट्रिम ना के बराबर, एंड उसको मस्त एक आज फुल बॉडी वॉश दे दो, जैसे अपन गाड़ी को कैसे बॉडी वॉश करवाते हैं। तो आज हम स्कूबी को भी बॉडी वॉश करवाएंगे, मतलब स्कूबी को आज एक शावर मिलेगा वहाँ पे, तो उसके नाखून उसके ईयर्स सब क्लीन करवाएंगे, बॉडी एकदम ट्रिम करवाएंगे। लेकिन जो पूछ है ना भाई, मैं पूछ को नहीं कटवाऊंगा, पूछ वैसे का वैसे ही रखूंगा। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, हो गया। चलो रौनक भाई अभी सच बताओ, मैं देखो ये देखो, ये होता है गोल्डन रिट्रीवर असली वाला, और ये देखो हमारा वाला, ये फर्स्ट कॉपी है, और ये देखो ओरिजिनल, वो एप्पल का प्रोडक्ट है और ये वन प्लस है। बताओ बताओ, वन प्लस कैसा नया आता है तो अच्छा रहता है फिर। ये देखो, अरे क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, ये देखो ये देखो। क्या रौनक भाई किधर से लिया था इसको? क्रॉफर्ड मार्केट से। आइटम में लिया था, गिफ्ट आप डालोगे व्लॉग में अभी? करेक्ट जैन दो। तो हम आ गए पेट्स इन द सिटी, और अभी आप बताओ इसमें से कमेंट करके कौन सा कराना है। मेरे हिसाब से तो है ना, देखो इसको यही कराना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये बराबर है इसके लिए, या तो नहीं, ये तो बराबर, ये तो इसके अनुसार जाएगा ही नहीं। मैं तो फिर ये करा दो, असली गोल्डन रिट्रीवर इसको बोलते हैं। ये ना गोल्डन है ना वाइट है, कोई अलग ही कलर का लाया है। आप घर पे ऑयल पेंट किया था ना? आप घर पे ऑयल पेस्टर से किया था ना इसको कलर? देखो अभी कलर निकलता, अभी इसका बाल भी निकलते है। देखो रौनक भाई क्या है, पैसे नहीं थे यार, पैसे नहीं आते यार। बोलो आप खुद का जो 100 रुपये का बाल काटते हो फ्री में काटते हो लोग का, ऐसा बोल के कि मैं शाउट आउट दूंगा स्टोरी पे यूट्यूब पे डालूंगा, और इसके लिए 2000 रुपये का बाल काट रहे हो आप? बच्चा है मेरा। अरे अरे ये खुद किसी को बच्चा कर सकता है? इतना बड़ा हो गया है, क्या बच्चा है, बच्चा है कर रहे हो मेरा? बोलो कुछ। अरे क्या बाप बाप ही हो तो बेटा बेटा ही होता है यार, इतने बड़ा हो जाए भाई। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया एंड अभी तक शॉप ओपन नहीं हुआ है, तो अभी मेरा प्रेम है दूसरी जगह है मावी नगर में, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं स्कूबी के साथ। शॉप ओपन हुआ है बट क्या हुआ, उसने सीसीटीवी में से देख लिया कि कौन आया है, तो उसने फिर आज पूरा दिन ही बंद कर दिया, बोलते हैं नहीं मेरे को ऐसा फेक डॉग्स का कुछ कुछ हाथ ही नहीं लगाने का जिसमें उसका नाम खराब हो। कभी मुश्किल से हम लोग ने किसी को बहला फुसला के बताया कि हमारे पास डॉग है, तो वो बोल रहा है कि क्या आ जाओ हम लोग जा रहे हो। हो गया हो गया। मुश्किल से और एक जन मिला है हमको, तो वहाँ पे आए हम स्कूबी को लेके। 2600 रुपये का इसका हेयर कट है, मतलब मेरा 3 साल निकल जाएगा इसमें, और उसमें भी 3 साल कंटिन्यू जाऊँगा तो 2 बार तो फ्री में तो देगा ही मुझे। सोचो 2600 रुपया ए सी वे सब इसका दिखा हुआ है ये सब। इसका पूछ पूछ को थोड़ा शेप देना। क्या नाम है इसका? स्कूबी। स्कूबी। उसको समझ में आ गया है ना रौनक भाई? इंग्लिश नहीं बोलने का चलेगा वो बहुत लोग को रहता है पता है कि छोटा बेटा बाहर जाता है ना मम्मी लोग का, तो इंग्लिश में बोलते, तो वैसे ये भी इंग्लिश में बोलते, और इंग्लिश में बोलने से कुछ नहीं होगा रौनक भाई। नहीं नहीं
काटने पे इनाम रखा है हम लोगों ने पूरा ही। इसका पूछे नहीं, जैसे भैंस लोग का पूछ रहता ना वैसा करने का हमको। बड़ा ना इतनी फट रही है इसकी, क्या हुआ रौनक भाई? क्यों फट रही है इतनी इसकी, बोलो ना। आपकी भी फट रही है क्या? तो पानी में आज के पहले ऐसा कोई आया है आपके पास, ऐसा कोई अनोखा? नहीं, ये अजूबा है, वो दुनिया में एक हीरा आता है ना, थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ। आपको बुरा लगा? रौनक भाई उठा लो उसको आपके स्टाइल में। कितना डर रहा है, स्कूबी को समझ में आ गया है। देखो यही हालत होती है जब 3-4 साल बाद नहलाते हैं ना अपन, तो देखो कैसा डरपोक। हाँ घर पे तो बहुत शेर बनता है। क्या हुआ आपका? बहुत शेर शेर बोलते हो ना इसको। हाँ मैं हमेशा इसको हम लोग ऊपर से स्पाइक कराने वाले, पीछे से पूछ से भैंस की दिमाग से भैंसी है और बाकी वो बराबर की सोच। हाँ वो जो पेंट किया है ना वो पूरा बाहर आ जाना चाहिए। कौन सा गोल्डन कलर किया था ना आपने? गोल्डन किया था कि वो पेंट ऊपर। अभी अभी आपका मन ये ना इसको ये बनाने का है ना? थोड़ा सिंपल। हाँ एकदम, हाँ रेनबो कलर कराओ ना इसको मस्त है। थोड़ा सा अच्छा आपको चलना चाहिए। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ से अपन ऑयल पेस्टल कलर लेंगे बराबर और लगा डालेंगे उसको। मतलब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कभी सोचा है कुत्ते और बिल्ली लोग के लिए इतना सब कुछ रहता है? हमारे लिए तो एक ही शैम्पू रहता है, हेड एंड शोल्डर का, तो क्लिनिक प्लस बराबर ना रौनक भाई? उससे मैं गाड़ी भी देता हूँ। उससे गाड़ी भी देते हो आप? और यहाँ पे देखो इतने सारे बिस्किट और ये तो सिर्फ खाने की चीज़ है और ये लोग की ट्रीट्स अलग। रास्ते भी घूमता है ना बिना नहाए तो ऐसा लगता है किसी ने हवा भरा है इसके अंदर। अभी देखो बकरी की तरह लग रहे हैं, इसको ही बाहर मत निकालना बकरी इतने भाई, कभी गलती से भी देखो इसको भी मुंह देखो उसका। हाँ ये आदत वैसी ही हरकत है बराबर ना रौनक भाई? आप जरा कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इसको भी कौन से डॉग की तरह रहता है। स्कूबी यहाँ पे बंद है अंदर और उसको लग रहा है हम जा रहे हैं और हम आ गए बाहर, क्योंकि बाल बहुत उड़ रहे हैं इसके और ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी नहा लेंगे इसके बाल से। रौनक भाई को तो आदत है पर मेरे को नहीं है। हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े और इसको देखो। बाय बाय स्कूबी। अभी तो उसके बाल कटना बाकी, अभी तो उसको सिर्फ नहलाया है। उसका मुंह देखो अभी ऐसा लग रहा है, थोड़ा कुत्ते ऐसा है रौनक भाई। क्या इसको रोज लाते रहो ना, इतना यूट्यूब से कमाते हो आप। एक परसेंट भी आपका यूट्यूब करने इसको दिया तो ये बेचारा कितना खुश रहेगा। तो फिर कितना 50,000 आया ना? 2.5 लाख रुपए सोचो। एक भी डिफेंडर आने वाला है, एक भी और एक डिफेंडर आने वाला है ना। तो कोई कांजलि बोरीवली महावीर नगर में से तो यहाँ पे आना बराबर ना रौनक भाई? और वो क्या बोलते हैं हैंडीकैप डॉग्स का भी करते हैं हमारा भी, जैसे स्पेशल डॉग्स रहते हैं स्कूबी ऐसे, उनका भी ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। स्कूबी ने गिव अप कर दिया बेचारे ने, थक हार के बोलते अभी जो करना है कर लो मेरे साथ, घर पे जाने दो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आज तो खिचड़ी खा के सो ही जाएगा, उठेगा ही नहीं मेरे को लगता है। ये जो मेन काम के लिए आए थे वो काम अभी चालू हो गया है स्कूबी का। मैं कैसा, इसका बाल कैसा, अच्छा है कि कैसा है? अभी नहाने के बाद चाहिए। अभी अच्छा है नहलाया और कंडीशनर तो शैम्पू दिया, उसके बाद फिर कंडीशनर किया, फिर ब्लो ड्राई किया, उसके बाद फिर कटिंग कर रहा हूँ। तो अभी पहले फिर जैसा तो नहीं
बराबर, ये पहली बार मेरे को हाथ दे रहा है क्योंकि उसकी फटी पड़ी है, उसको पता है कि इधर से बाहर लेके जाने वाला तो मैं ही हूँ, है ना इसको भी। देखो आगे से भी देखो अभी कैसा लग रहा है, भालू जैसा लग रहा है एकदम। रौनक भाई बाहर है और ये यहाँ पे अंदर। अभी देखो अभी इसको देखो, बाहर एक डॉग आया है सेम गोल्डन रिट्रीवर, ये देखो उसको भी मस्त हो गया, अब एकदम मस्त दिख रहा है। शिकंद 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 बेचारा अभी बहुत उदास हो गया है, गर्मी लग रही है उसको, गर्मी। हम लोग बाहर एसी में बैठे और वो बेचारा यहाँ पे। ये देखो स्कूबी के बाल देखो, 5 साल के ये मजबूत जोड़ थे इसके, सब निकल गए। भाग गया रौनक भाई, भाग क्यों गया आपका कुत्ता? किधर तेल पे? हाँ तो स्कूबी की हालत देखो भाई, पूरा स्कूबी, ए स्कूबी, स्कूबी लुक एट योर, पूरे बाल काट दिए भाई, पूरे बाल काट दिए। एंड ये आइसक्रीम लिया था आज घर पे खाने के लिए सबके लिए, तो आज स्कूबी को भी पार्टी। ये देखो स्कूबी की हालत, स्कूबी अरे स्कूबी बेचारा, सब बाल काट दिए उसके, सिर्फ पूछ की जो बाल थी ना वो थोड़ी सी रखी है, बाकी सब काट दिया भाई। स्कूबी की हालत देखो भाई, आके गोदी में सो गया बेचारा, इतना डर गया, इतना डर गया, खौफ में है। एंड हम अभी रोटेट कर रहे हैं कल के लिए, तो कल का वीडियो भी हो जाएगा अपलोड, सुबह को 11 बजे आ जाएगा यूट्यूब पे। एंड इसको भी को बेचारा अभी पता नहीं आ रहा वो खाना खाएगा क्यों नहीं बेचारा। इसको भी हालत देखो, इसको भी मुँह छुपा के बैठा भाई, बहुत डर गया, बहुत डर गया, पता नहीं एकदम उसको ऐसा लग रहा है ना कि भाई क्या हो गया उसके साथ। एनीवेज गाइस, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज ट्रेन की बकचोदी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल पे, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड उसके पहले कल भी वीडियो आएगा सुबह को 11 बजे ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ देख लेना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। अरे ये क्या हो गया, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल दैट टाइम।